नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज हम उसी जांबाज हीरो की बात करेंगे जिन्होंने सिर्फ 23 साल की उम्र में देश के लिए अपनी जान दे दी। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखें। कैप्टन पवन ने जैसे ही रेडियो पर बताया मेजर तुषार को कि उन्हें गोली लगी है, पर फिर भी वो फायर करते हुए आगे बढ़ते रहे। एक दुश्मन को मार देने के बाद भी वो आगे बढ़ रहे थे। तभी मेजर तुषार ने उन्हें पीछे हटने को कहा और दूसरे मेंबर्स को लीड करने को कहा, पर पवन नहीं माने। इसी बीच अंधेरे से फायर आया और उन्हें फिर से गोली लगी। वो गिरने के बाद भी आगे जाने को कह रहे थे, पर उन्हें नीचे लाया गया 3 साथियों की मदद से। मेजर तुषार की टीम ने फिर लीड किया। पवन एक काफ़ी अच्छे तगड़े इंसान थे। उनकी हाइट लगभग 5 फुट 8 इंच रही होगी, और लेकिन उनका शरीर काफ़ी भारी था, तो उन्हें 3 साथियों की मदद से सीढ़ियों से नीचे ले जाया गया। पवन बहुत ही टफेस्ट सोल्जर थे। उन्हें गोली काफ़ी नज़दीक से लगी थी, नहीं तो वो बच सकते थे। पवन की बहादुरी इसी बात से लगाई जा सकती है कि पवन ने पहला कदम उठाया अंदर घुसने का, जो कि काफ़ी मुश्किल था। इतना डेंजर होने के बाद भी वो आगे बढ़ रहे थे। पवन को 92 बेस हॉस्पिटल ले जाया गया श्रीनगर में। जब उन्हें एनकाउंटर साइट से दूर ले जाया जा रहा था, फिर भी वो थोड़ा बहुत होश में थे और कह रहे थे, चलो कर दो सर, बंदे अंदर हैं, एक दो और अंदर हैं, पहला बंदा इस साइड पर है और दो बंदे अंदर निकल गए हैं। एक गोली उस हीरो को नहीं मार सकती थी, उसे 3-4 गोलियां लगी थी, वो फिर भी बच जाते, पर एक गोली जो उनके दिल को चीर कर निकली थी, उसी ने उनकी जान ले ली। और 21 फरवरी की सुबह को बेस हॉस्पिटल श्रीनगर में कैप्टन पवन ने सिर्फ 23 साल की उम्र में देश के लिए शहीद हो गए। कैप्टन पवन को अपना आईफोन और मैकबुक से बहुत ही लगाव था, और उनके पास शायद ये ही 2 चीज़ें थी जिससे वो अपनी सोशल लाइफ में एक्टिव रहते थे। पवन को पता था कि जो जाटों का आरक्षण का जो मामला चल रहा था, कि उन्हें पता था कि जाटों को आरक्षण की ज़रूरत नहीं है, और जो भी है ये पॉलिटिक्स है। और अपने सर को भी बोलते थे, सर सब बकवास है सर, सब पॉलिटिक्स है सर। पवन भड़ाना जो कि एक गांव है जिंद एक डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में, वहाँ से बिलोंग करते थे। और आप जानते ही हैं कि हरियाणा को जो शेरों की धरती कहा गया है, वहाँ से तो हमेशा टैलेंट ही रहा है। और हरियाणा को कहा भी जाता है टैक्सेस ऑफ द इंडिया, क्योंकि यहाँ से सबसे मोस्ट मतलब लगभग हर फैमिली जो आर्मी को सर्व करती है। कैप्टन पवन की बॉडी को उनके घर में लाया गया था, जहाँ पहले से भीड़ लगी थी। पवन की बॉडी को जब उनकी माँ ने देखा तो वो काफ़ी दुख में थी, और कैप्टन के गालों को हाथ लगाकर वो वहीं पर गिर गई। क्योंकि कैप्टन पवन कुमार इकलौते लड़के थे, उनकी ना कोई भाई था और ना बहन। कैप्टन पवन के पिता राजवीर सिंह ने बाद में कहा था कि मेरा एक ही बेटा था जो मैंने देश को दे दिया। कैप्टन पवन पहले से ही आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे, पर किसी एरिया में उनको पता नहीं था कि कौन सी फील्ड में जाएंगे आर्मी में, तो उन्होंने NDA ज्वाइन किया, फिर IMA। और क्योंकि उनके इंस्ट्रक्टर डोगरा रेजिमेंट के थे, तो उन्होंने 7 डोगरा ज्वाइन की, और वो वैसे ऑर्डिनेंस कोर में ज्वाइन करना चाहते थे। और इसी के बाद उन्होंने पैरा ज्वाइन की थी। कैप्टन पवन की गर्लफ्रेंड थी जिन्हें वो बहुत पसंद करते थे, और उनकी शादी भी होने वाली थी 2017 तक, शायद उनकी शादी भी हो जाती, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। तुषार जो कि पवन के टीम लीडर थे, पवन के बारे में एक किस्सा बताते हैं कि एक दिन मौसम बहुत ख़राब था, ये कश्मीर की बात है शायद, और बर्फ़बारी भी बहुत हो रही थी, और मैं और पवन टेरिस का इंतज़ार कर रहे थे। मैं वापस लौट जाना चाहता था बेस पर। मैंने पवन से पूछा तो उसके चेहरे पर स्माइल थी, और उसने कहा, सर थोड़ी देर और बैठते हैं ना सर, आएंगे सर। लेकिन सुबह तक कोई टेरिस नहीं आया। शायद उसे भी पता था, पर शायद उसे बाहर अच्छा लगता था, क्योंकि पवन को बहुत ऑपरेशंस का शायद काफ़ी तजुर्बा तो नहीं, लेकिन इससे पहले वो 2 एनकाउंटर में थे, लेकिन उन्हें काफ़ी अच्छा लगता था बाहर जाना, टेरिस का इंतज़ार करना। दोस्तों यही था जो कैप्टन की बहादुरी दर्शाता है। तो ऐसी कहानियां मैं और लेके आऊँगा। इससे पहले भी 2 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं कैप्टन पवन कुमार द बैडेस्ट सोल्जर ऑफ इंडियन आर्मी, तो उसमें कम से कम 73,000 व्यूज़ आए हैं और लाइक्स भी काफ़ी हैं, तो वो काफ़ी अच्छी है। दूसरी वीडियो थी कैप्टन पवन कुमार जो डांस करते हुए, शायद वो एकेडमी की है कहीं की, लेकिन वो मुझे वीडियो शायद उनके दोस्तों से मिली थी, तो मैंने अपलोड करी यूट्यूब पे, तो वो भी काफ़ी अच्छा कर रही है। तो मैं दोस्तों और चाहूँगा कि आप और भी वीडियो देखें इस चैनल में, आपको काफ़ी जानकारी होगी इंडियन आर्मी की, कैसे रहते हैं सोल्जर्स यहाँ पर, और कैसे मतलब डेली एक्टिविटीज़, उनकी कहानियाँ बहादुरी की। और दूसरी कहानी के साथ मैं आगे लौटूंगा, तो चैनल पर ज़रूर देखिएगा और कहानी डालूंगा।
जो आपको इंस्पायर करेंगे आर्मी ज्वाइन करने के लिए। और मैं देख रहा हूँ कि 18 to 25 ईयर्स ऑफ एज ने काफ़ी वीडियोज़ देखी हैं ये कैप्टन पवन कुमार की, तो मतलब लोगों को पता है कि एक हीरो ऐसा था। और हीरो को शायद वो तब मरता है जब शायद उसे बुलाया जाता है। तो कैप्टन पवन कुमार तो हमेशा हमारे दिल में रहेंगे, क्योंकि उनका जैसा ऐसा सोल्जर तो शायद ही मिलेगा, क्योंकि 23 साल की उम्र में। और वो इतने बहादुर थे कि उनके किस्से तो शायद एकेडमी उनके दोस्त तो बताते रहते हैं। तो दोस्तों, समाप्त करते हैं आज का ये वीडियो। धन्यवाद।